नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं आपके सामने ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि एक मिनट में प्राण कीट में जमा पैसा कैसे देख सकते हैं अपन, कम फास्ट। तो मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पूरा देखना पड़ेगा। सिर्फ एक मिनट में अपन कितनी फास्ट अपने प्राण कीट में जमा पैसा को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यू कैन नाउ ओपन यूर गूगल ब्राउज़र। सिंपल है, यहाँ पर टाइप करना होगा आपको crnstl.com.in और यहाँ पर ये ब्राउज़र खुलेगा आपके सामने। यहाँ पर आपको अपना प्राण नंबर डालना है जो 12 डिजिट का है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जो डालना है, जो रिक्वायर्ड पासवर्ड है आपका, जो लिफाफे में आपके पास में है। यहाँ पर दो तरह की शर्तें होती हैं, टर्म होते हैं कि जैसे आपके पास में आई पिन है जैसे 8 डिजिट का और 4 डिजिट का टी पिन, जिसे आप डालोगे तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मांगेगा आपसे। तो यहाँ पर आपका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो आप, और पासवर्ड चेंज करने के बाद में सीधा यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने 12 डिजिट का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। अभी ये हो गया 12 डिजिट का यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं आपके सामने डाल देता हूँ अभी। और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया मैंने। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते ही तुरंत आपके सामने ये विंडो खुलेगी और इसमें लिखा होगा ये सारा कि नाउ यू कैन फैक्टा। अगर आपको फैक्टा सबमिट करना है तो सेल्फ डिक्लेयर रिसिपिएंट जाना है, लेकिन बट अपन को यहाँ ट्रांजेक्शन में जा कर के अपन को अपना जो अकाउंट है वो देखना है। तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन में सबसे पहले ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पर क्लिक करते ही तुरंत आपके सामने ये विंडो खुलेगी और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये विंडो दिखेगी, जिसमें आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर सिलेक्शन आपका ईयर देखना है कि कौन से ईयर का आपको देखना है, जिसे यहाँ पर सारे ईयर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर आपको जिस ईयर से आपकी पोस्ट का देखना हो उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अपने 17-18 ही देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्वार्टर है, वो क्वार्टर 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, लेकिन बट अपन ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ टाइप, टायर टाइप यानी कि टायर 1 और 2, 1 ही है अपने स्टेटमेंट, 2 में है ही नहीं अपना अकाउंट, तो इसलिए अपन 1 ही सेलेक्ट कर रहे हैं। और जनरेट स्टेटमेंट पर अपन यहाँ पर जनरेट स्टेटमेंट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से विंडो खुलेगी, जिसमें ये सारी आपको जो जितनी भी डिटेल है आपकी सारी वो ट्रांजेक्शन की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। और उस यहाँ पर आपको उसके बाद में जो जहाँ पर क्लिकिंग करना है ओपन, ये सारा होने के बाद में और आपको ये पूरी चीज़ यहाँ पर दिख जाएगी। और यहाँ पर लास्ट जो स्टेटमेंट आपका, यही है आपका ओरिजिनल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल लीगल ट्रांजेक्शन, जो आपको जैसे पोस्टिंग गियर से लगा कर आपका प्राण जहाँ से जनरेट हुआ है, जनरेट होने के बाद में दैट्स आपका अकाउंट ओपन हुआ है। तो यहाँ पर ये आप आसानी से देख सकते हैं, जैसे आपका पोस्टिंग गियर भले ही 2008 का हो या 5 का हो, बट आपका प्राण जनरेट किस तारीख को हुआ, जैसे 2011 में हुआ है, तो आपकी 12 से यहाँ पर जो एंट्री मिलेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब यहाँ पर जो आपकी एंट्रीज है वो कौन सी तरीकों, कितना पैसा, कितना अमाउंट आपके यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो जमा हुआ है वो डेट वाइज आपको यहाँ पर इसमें नज़र आ जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिलेगा। तो आप मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखने के बाद आप खुद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा यहाँ तक जिसे आज की डेटिल डेट में खुलता है, ये जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में जो आपको डेट बताएगा वो जिस तारीख को आप खोलेंगे स्टेटमेंट वही तारीख आपकी बताएगा, और उस तारीख को आपके अकाउंट में कितना अमाउंट, कितना पैसा है, टोटल वैल्यूएशन उसकी आपको बता देगा। तो ये था एक मिनट में केवल आप ट्रांजेक्शन अपना किस तरीके से देख सकते हैं, और इतना फास्ट ट्रांजेक्शन आपको किसी भी ट्यूटोरियल के माध्यम से नहीं देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले मित्रों। ओके, थैंक्स, गुड नाइट।